हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 11.2 कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कि सबसे पहले मुझे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है कितने सेंटीमीटर की, एक 8 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद टेकिंग ए एज ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है पढ़ते जाएंगे उसकी फिगर बनाते जाएंगे। अब वो कह रहा है कि ए को एज ए सेंटर लेके ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4, तो 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ए पे कंपा सेंटर 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ठीक कर लेना बेटा। ठीक है, दूसरा टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब उसमें 3 दे रखा है, ए पे 4 दे रखा था, तो बी पे कंपास 3 सेंटीमीटर का खोल के एक सर्कल बना देंगे। ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब हमें टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट ड्रॉ करना है एक तो बी से, एक ए से। ठीक है, अब कहाँ पे करने हैं अब वो देखते हैं। ड्रॉ अनदर सर्कल, ठीक है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। कि भाई यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल पे और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल पर कहाँ करना है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना। तो ए पे कंपास आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर आर्क नीचे आर्क, ऐसे ही उतना ही कंपास खुला होना चाहिए यहाँ आर्क और यहाँ आर्क। ठीक है, अब यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। तो बेटा देखो ये लाइन ड्रॉ की ना एक खासियत होगी, ये ज़्यादा बन गया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है लाइन को आधे में कट करता है और वो लाइन उसके परपेंडिकुलर भी होती है। तो आपने क्या करना, देखो एक तो तरीका, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 4 है, ये 4 एक, पता कैसे चलेगा आपने ठीक किया नहीं किया, क्योंकि भाई ये तो सर्कल पहले से ही 4 का है तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका 4 होना ही चाहिए, तो ये यहाँ से ही पास होना चाहिए। तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया एम, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम यही कर रहे हैं कि जब भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं तभी हम उसमें सर्कल ज़रूर बना रहे हैं। अब आपने क्या करना है, एम पे सर्कल, एम पे कंपास रखना, ए तक खोल लेना या बी तक, एक ही बात है। एम पे कंपास ए तक खोला और एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब ये सर्कल देखो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये पी पॉइंट ले लिया, ये क्यू पॉइंट ले लिया, इस ए से पी ज्वाइन कर दिया, इस ए से क्यू ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही ये मैं इसको पी डैस एंड क्यू डैस ले लेता हूँ, बी से पी डैस और बी से क्यू डैस। तो आपका एक तो ए पी इक्वल टू ए क्यू होना चाहिए और दूसरा बी पी डैस इक्वल टू बी क्यू डैस, ये इक्वल होना चाहिए आपस में। ठीक है ना, और इसके अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दोगे तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा इस कंस्ट्रक्शन का। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 8 सेंटीमीटर की। अब ए पे कंपास रखा, कितना सेंटीमीटर का खोलना था, 4 सेंटीमीटर, तो ए पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर खोल के एक सर्कल बना दिया। बी पे कंपास रख के 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया, तो ये काम हो गया। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये ए से बी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट से जो पास होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर का मतलब है आधे में, तो ये आधा तो 4 ही है डिस्टेंस। तो ये यहाँ पे आपने एज ए एम पॉइंट लिया, एम पे कंपास रख के ए तक खोल के एक सर्कल, बड़ा सर्कल बन गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, बी से पी डैस और क्यू डैस ज्वाइन कर देने हैं,
ए से पी एंड क्यू ज्वाइन कर देना है जहाँ सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। बट ये ध्यान रखना, ये पॉइंट कौन सा है कि जहाँ सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये आपके लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आ जाएंगे फ्रॉम द, जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, कि सेंटर ऑफ अदर सर्कल से टेंजेंट या इस वाले से टेंजेंट वहाँ। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।